मुंब्रा में एक ही पंडाल के नीचे एकता मित्र मंडल, गणपति मित्र मंडल और हुसैनी मोहर्रम फाउंडेशन कमेटी की तरफ से एक ही पंडाल के नीचे एक जगह गणपति की आरती हो रही है। उनकी आरती खत्म होने के बाद में वही मशीन उठा के वाज के कार्यक्रम के लिए यूज़ हो रही है और दोनों समाज में बहुत अच्छा संबंध है और ये पूरे महाराष्ट्र और पूरे देश के लिए एक बहुत अच्छी मिसाल मुंब्रा यहाँ से दे रहा है। तो एक महीना पहले से यहाँ के स्थानिक जो लोग थे गणपति के मंडल वाले और मुहर्रम कमेटी के, उन लोग से मेरी बात हुई तो लोग खुद मुझसे कहा था कि सालम भाई एक ही साथ पढ़ रहा था, हम एक साथ में करना चाहते। तो जब ये लोग खुद ही आपस में बात किए तो इतना अच्छा लगा कि मतलब हमारे गांव में ऐसी सोच रखने वाले हिंदू और मुसलमान भाई हैं कि वो एक ही पिंडाल में गणपति और मुहर्रम का प्रोग्राम कर रहे हैं। तो आप खुद सोच सकते हो कि कितनी मतलब राजनेताओं से हट के यहाँ का माहौल है और ख़ासकर मुंब्रा कौसा एक मुस्लिम बहुमल इलाका है और उस गाँव में हिंदू भाई हमारे रहते हैं, दोनों में कोई ऐसा लफड़ा नहीं, कोई ऐसा नाइतफाकी नहीं है और पुलिस प्रशासन भी इस मामले को लेकर बहुत खुश है। जब कोई इलेक्शन का टाइम आता है या सियासी लोग अपने अपने मुद्दे के लिए या अपनी अपनी ख्वाहिशों के लिए हमको आपस में लड़ाते हैं और वो बेवकूफ़ों की तरह हम आपस में लड़ते हैं। त्यौहार का मतलब गणपति आई, मुहर्रम आया, ईद, बकरीद, इसका मतलब टेंशन नहीं है, पुलिस का बंदोबस्त नहीं है, ये खुशियों का त्यौहार होता है, हमने उसको बना दिया है। और जो हकीकी लोग हैं वो उससे दूर हैं। कुछ लोग जो हैं वो शहर का हवा बनाते हैं, माहौल ख़राब करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो हकीकत पसंद लोग हैं या जो आम लोग हैं जो यहाँ इतने जुटे हुए हैं।